जिसके पास न्यूक्लियर मोड है तुम ऑलरेडी एक ब्रह्मांड से लेकर अपने हाथ में रखे थे, तुम्हारा न्यूक्लियर मोड का और न्यूक्लियर सिस्टम का वो चीज है जो भी बोले वो तहस नहस हो जाए 15 दिन पहले। इसे मैं कहता हूं म्यूटेटिंग कोड है, यानी मैं चीजें प्रैक्टिस करता हूं, तुम प्रैक्टिस को सोच दिया ताकि तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता रहे। हां देनी चीज आ रही है। राइट गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कैसे कोर्स के बारे में जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपके करियर में काफी सपोर्ट करेगा। सिंपली गाइज, ये कोर्स श्वेताभ गंगवार का है। ये कोर्स आपको करियर में ग्रो होने में हेल्प करेगा। सिंपली इस कोर्स का नाम है गाइज द न्यूक्लियर मोड। ये कोर्स अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हैं श्वेताभ गंगवार के वेबसाइट पे जाके। और सिंपली इस वीडियो में हम उन्हीं के कोर्स के बारे में बात करेंगे। सिंपली मैंने उनके कोर्स से हाईलाइट्स पॉइंट सिलेक्ट किया है। सिंपली अगर रिव्यू की बात करें तो गाइज वन वर्ड में बोला जाए तो ये बेस्ट कोर्स है सेल्फ मास्टरी के ऊपर और ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो वही बात करें तो गाइस श्वेताभ गंगवार आप जानते ही होंगे, इन्होंने अपना बुक लिखा था द रीडेस्ट बुक एवर और इनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मिलियनों सब्सक्राइबर है। इन्होंने पॉडकास्ट भी किया है संदीप महेश्वरी के साथ। इस कोर्स में ये चार चीज़ों के बारे में बात करते हैं गाइस। पहली चीज़ है कि न्यू एक्स वाई जेड मीन्स कि आपको जिस चीज़ का अचीव करना है उसके बारे में प्लान करना होगा। दूसरी चीज़ है गाइस न्यूक्लियर सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है। तीसरी चीज़ है गाइस कि इन्होंने माइंडसेट के बारे में बताया है और जो चौथी चीज़ है रिलेशनशिप के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि कैसे पैसा रहता है तो आप दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं और जो आपका रिलेशनशिप है वो भी स्टैंड आउट करेगा, बट यू हैव फर्स्ट वर्क टू अर्न मनी। तो ये माइंडसेट काफ़ी अच्छा लगा और ये रियलिटी के बारे में भी बात करते हैं। तो आप अगर ये कोर्स देखते हैं तो काफ़ी हेल्प करेगा आपके करियर में। क्या बात, बेसिकली चार टेम्पलेट्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो टेम्पलेट्स हैं। कैसे इंश्योर करूं कि मेरे समक्ष जो भी गोल है उसके ऊपर खर्च हो जाए, न्यूक कर दो उस गोल को, नस्तनाबूद कर दो, जो भी गोल है 15 दिन पहले खत्म हो जाए। इस पहले टेम्पलेट का नाम है न्यूक, जो भी तुम्हारा गोल है एक्स वाई जेड। तो आपके टेम्पलेट भैया ऐसे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इस टेम्पलेट में जो जो चीज जहां जहां प्लेस करी गई है उसके पीछे बहुत बहुत बुद्धि लगी है, प्रिसाइसली हर चीज की बहुत बेहतर वैल्यू है। पहला टेम्पलेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्वियसली कंपनी स्टार्ट करके सीधा काम करते हो कुछ भी अपने गोल को इतना रुपए कमाना है, ये काम करके मैं मदद करके करना कुछ भी जो तुम्हारी डेडलाइन है तो उसको डू करना है। तो जैसे न्यू कोई यूट्यूबर हो तो लिखता है न्यू यूट्यूब डेडलाइन कब रख रहे हो, जैसे करते दिसंबर में ऐसे एग्जाम्पल रख गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्स वाई जेड नीड्स टू बी अचीव न्यू बिफोर, ठीक है, ये सब चीज तुम्हें लिखनी है, ये लॉज है तुम्हारे टेम्पलेट के। एक चीज कभी जिंदगी में होना चाहिए कि मैं सुबह सोते उठा और मुझे पता नहीं आज करना क्या है, मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, चलो ठीक है सब्जेक्ट पढ़ना है 2 बजे, 2 बजे पर बैठे पढ़ने 15 मिनट और पढ़ा, फिर फोन उठा लिया, चाय पीने लग गए, टेक्स्ट आ गया, ग्रुप मैसेजिंग में पहुंच गए, इंस्टाग्राम रील्स देखने लग गए, हां ये कर लिया बैठ के, बकलोली कर ली, नहीं मालूम सिस्टम में क्या हो रहा है, आपने टिक कर दिया भाई, हमने आज पढ़ाई 20 मिनट ठीक है, लेकिन वो 20 मिनट पढ़ाई ही नहीं। तो ये सारी चीजों को जितनी उसमें खामियां थी मैं पहले नोटिस कर रहा, टाइम लगता है थिंकर थिंकर लेवल पे सारी प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व करना नहीं, ऐसे सॉल्व करने की वो एनकरेजिंग इनका आंसर देना ही देना है। तो ये इंस्ट्रक्शन सबको देना अलावा कोई आंसर इसके साथ करके बिना कोई द आंसर कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, यानी कि व्हेन आर यू गोइंग टू डू दिस नेक्स्ट, तुम्हारा जो भी तुम्हारा गोल है ये तुम नेक्स्ट कब करोगे, जैसे आज मैंने खत्म किया मेरा दिन का आज तो बहुत गजब गया, अच्छा सो नेक्स्ट कब करना, कंटिन्यू क्रिएट करें कब करने वाले हो और करोगे क्या। तुम यहां पे जो भी ऑप्शन डाल रहे हो वो बन जाते हैं तुम्हारे टास्क टुडे में कल के लौटने के लिए, यानी जब तुम उठ रहे हो और जब इसका जो उत्तर दे देता है कि कल करना क्या है भाई, कल तो अपने का क्या व्हील दे रहा है एवरी सिंगल डे, जब तुम खत्म करते हो और तुम डालते हो हां ये भी डन हो गया ये भी डन हो गया, अरे यार ये काइंड ऑफ हाफ डन है या कुछ भी, तुम्हें अगर ऑप्शन डालना है तो डालो कि भाई अंतरेश उसके बाद तुम्हें ये चीज मैं नहीं कर सकता, व्हेन आर यू डू दिस नेक्स्ट लेट्स से डे आफ्टर टुमारो, करोगे क्या सिंपल ही थोड़ी देख, जिसके पास न्यूक्लियर मोड है तो ऑलरेडी एक ब्रह्मांड से लेकर अपने हाथ में रखे थे। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, गेमिफाई करने के लिए पहले चीज करनी है इमीडिएटली सबको भूल जाओ, एक दिन 20 पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट को डिवाइड कर लिया 16 पॉइंट में और 4 पॉइंट में। सो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, मैं साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूं यूनिवर्सिटी में, ठीक है, गेमिफाई करने के लिए पहले चीज करनी है इमीडिएटली सबको भूल जाओ, एक दिन 20 पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट को डिवाइड कर लिया 16 पॉइंट में और 4 पॉइंट में। सो अगर यूनिवर्सिटी है तो हमें काइंड ऑफ 20 पॉइंट्स पूरा पूरा गेम आज कर सकते यूनिवर्सिटी में, यानी सिर्फ हमें गोल रखना है। तो हमने क्या किया भैया, हार्डेस्ट सब्जेक्ट है उसको रखे 8 पॉइंट, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी मेरे पास यूनिवर्सिटी में 6 सब्जेक्ट है, तो मैं सोचता हूं किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूं, कुछ अपग्रेडेशन कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, कोई भी चीज तुम्हारे सामने है वो एक चीज नहीं होती, उसके अंदर 6 चीज होती है, 4 चीज पढ़नी होती है, 5 चीज पढ़नी होती है, दो में तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट है, 3 में इंटरेस्ट नहीं है, दो में उतना आसानी से पढ़ लेते हो, एक 3 में पर हो जाता है बहुत मुश्किल, तुमको अवॉइड कर सकते हो इन चीजों को पता से कैसे होना, 20 पॉइंट तो ऑटोमेटिकली अगर लेते 6 सब्जेक्ट है तो मैं क्या करूंगा ऑल्टरनेट डेज में 3-3 में डिवाइड कर देता हूं, यानी एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये तुम पे निर्भर करता है तुम कैसे डिजाइन करोगे, जितनी भी बातें करो मैं एग्जांपल की बात यूज कर रहा हूं, तुम अगर 2 सब्जेक्ट रखते देंगे दैट्स आल्सो फाइन, तुम्हारा न्यूक्लियर मोड का और न्यूक्लियर सिस्टम का वो चीज है जो भी बोले वो तहस नहस हो जाए 15 दिन पहले, या फिर तुम अपने दिमाग में लोगों को जितना ऊपर चढ़ा पाए हो तो मैं थ्रू अ लॉन्ग प्रोसीजर, एक दिन में नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा, बट उस प्रति उस द्वारा उस ओर तुम्हारे को चलना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, आप जितना खोपड़े में चढ़ा रखा है वो उतारना भी है, ये अलग प्रोसीजर होगा। बायसेस को हटाने के लिए तुम्हारे पास एक रॉ डेटा होना जरूरी है, और रॉ डेटा इसलिए आता है कि तुम देख रहे हो कि भाई मेरी प्रोग्रेस रेट क्या थी, मैं हर रोज जितना भी सीख रहा हूं मैं क्या करता हूं उसको एक न्यूमेरिकल फैशन में किसी तरह से क्वांटिफाई करके लिख लेता हूं, तुम्हारा एवरेज जो है हर 2 हफ्ते का वो यू ऊपर जा रहा है,
ये प्रोग्रेस होती है जो तुम्हें बताएगी तुम्हारी चाहे सोच, तुम्हारी घटिया बुद्धि, चाहे तुम्हारी बायसेस, तुम्हारी खुद की सेल्फ हेट, सेल्फ व्यू की टेंडेंसी, चाहे कितनी पकड़चोदी कर लें, डेटा अपनी जगह डेटा है। और अगर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, कोई इंसान एफर्ट डाल रहा है, तो कोई माइकल लाल नहीं हो जो उस एफर्ट पे थूक थूक पाया। आने वाले दिन में कल और आज कितना उखाड़ चुके हो, लास्ट हफ्ते कितना उखाड़ा, बीम पावर सिस्टम में कितने टास्क उखाड़ चुके हो, आज अगर भूल गए तो क्यों भूल गए हो, क्या हुआ है जो तुम अपने जो भी जिस पथ पे चल रहे थे, खतरनाक स्टोरी आर पे जो थे उसे तुम हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, क्या हुआ, क्या घटित हुआ तुम्हारी जिंदगी में भैया। तुम एक लड़के भी हो, अगर तुमको एक टीम सेलेक्ट करनी है, तुम कोई भी फलाना धमका, तुम बिजनेस स्टार्ट करने वाले, तुम स्पोर्ट्स कर रहे हो, तुम कुछ भी करो, किसी भी तरह की टीम है, तुम्हारी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जहां पे तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, तुम्हें चाहिए कि भाई हम जैसे भी परफॉर्म करें हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया बढ़िया इज द एंड रिजल्ट। तुम किसको चूज करोगे हायरिंग में उस टीम के, समथिंग जिसको तुम या somebody जिसको तुम देख के कहोगे कि मेरा दिल जा रहा है, या फिर तुम देख के कहोगे हाँ यार मैं इसके साथ बेटर फील कर रहा हूँ, इन ऑल द ऑप्टिक्स। भाई ऑफकोर्स पैसे से खुशी मिलती है, इतने अमाउंट ऑफ स्ट्रेसर से मूव होते हैं, तो कौन नहीं चाहेगा मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में पैसा हो, ताकि भाई जिंदगी की इतनी सारी जो दिमाग खर्चा करने वाली चीजें हैं वो सॉल्व हो। तुम में से कितने लोग हैं जो अरेंज मैरिजेस में पार्टिसिपेट किए हो, और तुमने नोटिस किया है कि अगर ITIM का मेंशन आ जाता है तो लड़कियां भी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सर घूमता है, IAS ऑल्सो इंक्लूड कर लो, लड़की करिए मैं शायद इसको मैं बस देखना चाहती हूँ, मैं करूंगी थोड़ी और सलवा निकल ली, इतने लोगों के रोल मानती है। अब यहाँ पे वो थोड़ी कहो लड़कियां यार ये कैसे कर दी इस लड़की ने, यू नो हाउ कैन शी नॉट बी इमोशनल, हाउ कैन शी बी प्रैक्टिकल और व्हाटएवर, ऑफकोर्स वो जो कर रही है भाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसने देखा कि भाई सेल्फिशली विदाउट अ डाउट मेरे लिए बेटर है, और इसके साथ मेरी जिंदगी मुझे पता बेटर रहेगी, प्यार में एफर्ट डालते रहेंगे, तो भाई कोई प्रैक्टिकल चॉइस मेक कर रही है। बट बहुत सारे लोगों को जो कि बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड थे, रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, प्रॉस्पेरिंग थी, बट द रीजन व्हाई शी लेफ्ट वाज बिकॉज शी फाउंड समबडी जो कि बेटर कार थी, जिसके पास तुमसे बहुत ज्यादा पैसा था। कितने लोग हैं जिनकी गांड लग जाती है बिकॉज जनरेशनली वेल्थ किसने एक्वायर कर रखी है, वो आ जाता है सिचुएशन में। तो गाइस न्यूक्लियर मोड का जो पहला टेम्पलेट है आप देख सकते हैं, ये है न्यूक XYZ, आपने वीडियो में देखा इन्होंने कैसे समझाया इसे। सिंपलिस्ट टेम्पलेट में आपको देखने को मिल जाता है न्यूक XYZ, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, XYZ की जगह आप जो लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। उसके बाद है डेडलाइन, सब्जेक्टिव और मस्ट डू, मीन्स कि आपका इस गोल का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस लाएंगे, और टाइमर सेट कर सकते हैं कि आप कितने दिन में इसे अचीव करेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। और बात रहा गाइस व्हाट टू डू मोर, मीन्स कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी है, और वो चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंस नहीं है और जो कि मैटर नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लिया है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी गोल हो आप उसे इजीली चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो ऑप्शन है उसे भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही ओपन किया है, आप इसे नोशन में ओपन करेंगे तो फिर इसे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। और सेकेंड है गाइस कि यहाँ पे आपको क्या करने वाले हैं नेक्स्ट चीज़, और उन चीज़ों को लिखना है और उसे आप प्रायोरिटाइज करना है, मीन्स कि उसे आपको क्या बोलते हैं आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लास्ट में आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है गाइस कि क्या करना है कैसे करना है, ताकि चीज़ें इफेक्टिवली हो और सही से हो पाए और इस चीज़ का आप अच्छे से यूज कर सकें। गाइस जो दूसरी टेम्पलेट है वो है न्यूक्लियर सिस्टम, मैंने इसे रेंडमली ऐसे ही ओपन किया, आप इसे नोशन में भी ओपन कर सकते हैं ये, और चेंज कर सकते हैं डाटा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पर डे का 20 पॉइंट लिया है और चीज़ों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू पॉइंट। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपने चीज़ों को कितना अचीव किया है पर वीक, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डे वाइज डिवाइड किया है, ईच डे आपको 20 पॉइंट मिलता है, और फिर स्किल अपग्रेडेशन, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी टाइम, और यहाँ पे नॉलेज एक्विजिशन, इसे आप चेंज कर सकते हैं, इसे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। सिंपली मेरा मेन मोटो था कि आपको बेस्ट हाईलाइट दिया जाए इस कोर्स का, ताकि आप इस कोर्स को ले सकें, या फिर ना ले तो इनके यूट्यूब चैनल से इनका वाइब ले सकें, और या फिर जो मैंने हाईलाइट्स पॉइंट दिया उससे ही आपको वाइब मिल जाए इस कोर्स का। और मैंने वो टेम्पलेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उसे आप इजीली अवेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।